अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये था जी हमारा आज का मेन्यू, जिसमें हम बनाने जा रहे थे जी कॉफ़ी केक। और ये सारा सारा सामान हमें चाहिए था कॉफ़ी केक बनाने के लिए, जिसमें था 1 कप शुगर, 1 कप मैदा, 3 अंडे थे हमारे पास, 1/2 कप ऑयल था, 1 चम्मच हमारे पास बेकिंग पाउडर था, और 1/2 चम्मच जो था कॉफ़ी उसमें हमने वाटर थोड़ा सा ऐड करके ना तो बस उसका मिक्सचर बना देना। बस ये डन था। उसके बाद हम सबसे पहले केक मोल्ड तैयार करेंगे। केक मोल्ड की इसमें हमने बटर पेपर जो है अच्छे से सेट कर लेना। जिसके पास बटर पेपर ना हो वो क्या करे, वो मैदा इसमें टेस्ट कर ले। मेरे पास पड़ा था बटर, मैंने कहा क्यों ना जी इसको इस्तेमाल में लाया जाए। बस ही मैंने फिर बटर डाल लिया और 7 2 अंडे डाल लिए। मैं इनको 1 मिनट तक बीट कर लूँगी अच्छे से। फिर मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी और अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से बीट कर लूँगी। उसके किनारे अच्छे से साफ करते रहना चाहिए साथ, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए बाद में जो। फिर मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला और इसके चंद फ्यू कतरे यानी कि चंद कतरे ही डालने, ठीक है। वो ना पूरी बोतल भी उड़ेगी तो स्मेल ख़त्म करने के चक्कर में। तो जी यहाँ पे ये सब कुछ हो गया था डन डना डन। और इसमें हमने डाल दिया था कॉफ़ी का वो जो मिक्सचर था, और अब हम इसको भी 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। और फिर जी यहाँ पे ये भी बीट हो ही रहा है, तकरीबन हो गया यहाँ पे बीट। अब हम इसमें जो नेक्स्ट चीज डालेंगे वो होगी जी कॉफी, ये ब्लैक चॉकलेट जो हमने बनाया था ना चॉकलेट सीरम, वो हम डालेंगे। उससे ज़रा टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और चॉकलेट चॉकलेट फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का बनता है, आसानी से बन जाता है, ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती इसमें ना। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हमारा 1 स्टेप जो है वो डन हो गया था। दूसरे स्टेप की तरह जाते हैं। दूसरा स्टेप हमारा था 1 कप मैदे में मैंने डाल दिया था 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला था, सोडा मीठा डाला सॉरी। फिर हम उसको मिक्स करके 1/2 कप करके हम इसको ऐड करते जाएंगे और उनको मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 ऐड कर लिया था, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब ये नेक्स्ट 1/2 डाल के तो मैंने इसको भी मिक्स कर लिया और बस ये बैटर तैयार था हमारा। और यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल ना ही थिक होना चाहिए, ये बिल्कुल डन बना डन था बनने के लिए। और अब मैं इसको मोल्ड में डाल लूँगी। केक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस इंसान के अंदर ना थोड़ा सा जुनून होना चाहिए कुछ करने का, बाकी बन तो जाता है सब कुछ। और अब मैं इसको टैप करी हूँ तकरीबन 8 से 10 दफ़ा इसको टैप कर लिया, ताकि इसके अंदर से जो भी एयर होगी वो सारी निकल जाए। यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया और उसको मैंने प्री हीट कर लिया था, और अब मैं इसमें इसको रखूँगी तकरीबन 45 मिनट के लिए। और उसको अब हम कर सकते हैं लगाएंगे और उसके ऊपर कुछ भारी चीज़ रखते हैं ताकि इसकी जो भी अंदर से वो निकलना। तो यहाँ पे 45 मिनट के बाद ये रिजल्ट आया था मेरा केक बिल्कुल डन 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 हो गया था। तो बस मैंने इसको फिर निकाला अपने प्यारे से लीफ में, जो कि मुझे बहुत पसंद था। और ये था जींस का स्पंज, और ये बहुत सॉफ्ट यानी कि बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट बना था सपोर्ट कह रही हूँ। और बस जी फिर मैंने कहा थोड़ी एफिशिएंसी है क्यों ना मारी जाए। फिर मैंने इसके ऊपर डाल लिया चॉकलेट सीरम जो कि मेरे पास बना पड़ा था। क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि बेटा जी इस पर थोड़े से आलमंड भी लगा लो, पसंद तो बहुत लगे लगे। फिर मैंने कहा अच्छा मामा जी क्यों ना आपकी बात मानी जाए। फिर मैंने इसके ऊपर आलमंड भी लगा लिया, तो यकीन जानो पसंद से बड़ा मज़ा आया था खाने का। तो ये क्या आज का ब्लॉग, फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।